हे एवरीवन, आरएसएटी एग्जाम 22 मई तैयारी 90 से ऊपर वाले सीरीज के अंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन है आपका लाइव होने जा रहा है। जो भी विद्यार्थी अभी तक इस लाइव सेशन से नहीं जुड़ा है, तो फ्रेंड्स आप सभी से अनुरोध है कि आप सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनके भी अच्छे परसेंटेज बन सके। तो फ्रेंड्स, इस बार आप करने वाले हैं आरएसएटी में 90 से क्रॉस, क्योंकि आप जुड़े हैं आरएसएटी के नंबर 1 चैनल के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का ये आपका सेशन हम एक मोटिवेशन कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कोड है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो फ्रेंड्स, आप भी ठान लो कि आपको इस बार करना है आरएसएटी में 90 से क्रॉस। तो फ्रेंड्स, हम आपका ये आज का जो पहला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पे आ गया है। आप सभी को जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पैन कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया? पहला ऑप्शन है NSDL, दूसरा ऑप्शन है UIDAI, तीसरा ऑप्शन है NVSP और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तब तक मैं आपको पैन कार्ड के बारे में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पैन कार्ड का पूरा नाम पूछे, तो पैन कार्ड का पूरा नाम आपका होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछे कि पैन कार्ड आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, तो फॉर्म नंबर 49A भरा जाता है। और आपका जो पैन कार्ड है ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये फ्रेंड्स NSDL द्वारा जारी किया गया है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से आपको NSDL का पूरा नाम पूछे, तो होगा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है UIDAI, अगर इसका क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए कि जो है UIDAI का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने जो है आधार कार्ड को जारी किया था। तो कैसे भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी पुटअप हो तो यहाँ से राइट करेंगे। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण आपको बताना है। तो पेज मेकर, फोटोशॉप और नोटपैड, ये जो तीनों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ये जो तीनों आपके हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए विंडोज 7, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आप सभी ने जो है इसका आंसर राइट किया है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि क्या इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता क्या है। तो ये पेज के ओरिएंटेशन होते हैं और पेज की स्थिति बताता है कि आपको पेज कैसा रखना है। अगर ऐसा सीधा पेज है तो वो आपका कहलाता है पोर्ट्रेट, और सॉर्टेड फॉर्मेट में ऐसे दिया हुआ है पेज, तो वो आपका कहलाता है लैंडस्केप। तो आपसे पूछा है कि डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आप किसके द्वारा बदल सकते हो? तो फ्रेंड्स, आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स होता है, सो पेज लेआउट टैब के अंदर उपस्थित होता है, इसके द्वारा आप बदल सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है हेडर और फुटर, इसका भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दस्तावेज में हेडर और फुटर लगाने का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो दस्तावेज़ में हेडर और फुटर लगाने का मूल उद्देश्य होता है कि दस्तावेज़ की दिखावट को सुधारने के लिए। तो कैसे भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है? तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन है F5 कुंजी को दबाना, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू ऑप्शन को लेना, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट, दोनों ऑप्शन से आप कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे कैश मेमोरी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए।
बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीडी या डीवीडी पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है, तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे बर्निंग हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जो भी विद्यार्थी इस सेशन से लेट जुड़ा है, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, जल्दी से बता दो इसका आंसर। आपको कितनी बार ये सेशन में बता दिया है क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर आपका एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, यानी कि किसके द्वारा आप विंडोज़ 10 के अंदर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो इंटरनेट से सीधे आप कर सकते हैं, विंडोज़ स्टोर से कर सकते हैं, सीडी या पेन ड्राइव से कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है वर्ड फाइल का उपयोग करके आप जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो रहा है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, तो मजबूत पासवर्ड के लिए आपको क्या क्या लगाना होता है, तो फ्रेंड्स अगर आपको एक मजबूत पासवर्ड बनाना है तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि जिनमें कम से कम 8 वर्ण और अक्षरों और जो है संख्याओं का संयोजन हो, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, वर्ण भी हो सकते हैं और अदर जो सिंबल होते हैं वो भी हो सकते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। HTTPS में S का मतलब क्या होता है, बता दो जल्दी से इसका आंसर। तो HTTPS का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो यहाँ पे S का मतलब हो जाएगा सिक्योर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्लाइड पे। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है, तो जल्दी जल्दी बता दो इसका आंसर। तो एक्सेल वर्कबुक जो है आपसे पूछा है कि किन के संयोजन से बनती है, तो ये बनती है वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स आप सभी से अनुरोध है कि इस सेशन को आप अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनके भी अच्छे परसेंटेज बन सके। इस बार आप करेंगे RSCIT में 90 से क्रॉस और RSCIT में होगा आपका भी बेड़ा पार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको पूछा है कि कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एंड्रॉयड होता है आपका, iOS होता है, विंडोज़ फ़ोन होता है, इनके अलावा ऑप्शन दिया हुआ है लिनक्स, ये आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो बता दो सभी इसका आंसर। तो हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स OS है, आपको बताना है कि कौन सा ओपन सोर्स OS है, तो यहाँ पे आपका एंड्रॉयड बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से हो रही है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जुड़े हैं RSCIT के नंबर 1 चैनल के साथ। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्लाइड पे। PSK का पूरा नाम आपसे पूछा गया है कि PSK का पूरा नाम, तो फ्रेंड्स PSK का पूरा नाम होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र, ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे। SSO का पूरा नाम, तो बता दो इसका आंसर। SSO का पूरा नाम क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि सिंगल साइन ऑन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है यहाँ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SSO का उद्देश्य आपसे पूछा गया है कि SSO के उद्देश्य क्या होते हैं, तो सहायता टैक्स लागत को कम करना बिल्कुल ही राइट दिया हुआ है, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, उत्पादकता बढ़ा देता है, उपरोक्त सभी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
एसबीआई बड़ी क्या है? तो बता दो इसका आंसर क्या होगा। एसबीआई बड़ी आपका होता है एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है, आपको बताना है कि क्रेडिट कार्ड की विशेषता कौन सी नहीं होती। तो पहला ऑप्शन, बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की विशेषता होती है। भुगतान के एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये भी होती है। पहले खरीदे बाद में भुगतान करे, तो ये भी क्रेडिट कार्ड की विशेषता होती है। खरीदे और एक साथ भुगतान करे, ये क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं होती। ऑप्शन डी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है, आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर की विशेषता। तो पहला ऑप्शन है विविधता, दूसरा शुद्धता, परिश्रमशीलता, यानी कि उपरोक्त सभी कंप्यूटर की विशेषता होती है। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी एक सीमा है, तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि बुद्धि का अभाव, आईक्यू लेवल जीरो, यूजर के बिना काम नहीं कर सकता। तो ऐसे अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे तो वो होता है कंप्यूटर की सीमा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टली ले जाते हैं तो क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है उस निर्देशिका के अंदर सभी उपनिर्देशिका चले गए हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही करेक्ट दिए हुए हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन डी ऐसे, यानी कि ए व बी दोनों राइट हो जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेसीविल प्रिंटर का एक प्रकार है, डेसीविल प्रिंटर किसका प्रकार है? तो डेसीविल प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीपीआई का पूरा नाम, फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? तो सभी जल्दी से जल्दी बता दें इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है फोल्डर लॉक, दूसरा ऑप्शन है कोर्टाना, विंडोज डिफेंडर या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा यहाँ से राइट आंसर? ऑप्शन ए यानी कि फोल्डर लॉक आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है कि कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? तो क्या होगा इसका आंसर? कमेंट कीजिएगा जल्दी से। तो कुछ खरीदने और बेचने के लिए जो वेबसाइट होती है वो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक सेशन से लेट जुड़ा हुआ है उन सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, आपसे पूछा है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, तो जल्दी से बता दें आंसर इसका। तो राजी वॉल्ट बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, आपसे पूछा है कि कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है मॉडरेशन, तीसरा स्क्रूटिनाइजेशन और चौथा है एलोकेशन। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रूटिनाइजेशन। यह आपका राजस्थान संपर्क जो शरण है इसका स्टेप नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है, आपसे पूछा है कि कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं होता है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो कंप्यूटर ओनली होता है, डुप्लीकेट होता है, एक्सटेंड होता है, इनके अलावा आपको ऑप्शन दिया हुआ है इन्वर्टेड,
या किसी प्रकार का जो है प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं होता है, ऑप्शन बी ऐसे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTPS, ये वाला क्वेश्चन आपका वापस रिपीट हो गया है, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा सिक्योर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन है सेल वैल्यू और सेल संदर्भ में, दूसरा है सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यू का, और तीसरा ऑप्शन है सेल वैल्यू लेकिन सेल संदर्भों का नहीं, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक सूत्र बनाने के लिए आप सेल वैल्यू और सेल संदर्भों का प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन ए आपका सभी का राइट हो रहा है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। EPDS का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, EPDS का पूरा नाम जल्दी से बता दीजिए, इसका पूरा नाम क्या होगा। तो फ्रेंड्स EPDS का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछे कि EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम, BPL का पूरा नाम पूछे तो होगा बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर इसके संदर्भ में APL का पूरा नाम पूछे तो होगा एबो पॉवर्टी लाइन, अगर MSP का पूरा पूछे, MSP का नाम भी पूछा जाता है तो होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और FPS का पूछे तो होगा फेयर प्राइस शॉप। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है और विंडोज 10 में स्टार बटन का उपयोग इसके लिए आप कर सकते हो, तो बता दो इसका आंसर क्या होगा। एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, डिवाइस की सेटिंग कर सकते हैं, सिस्टम को बंद कर सकते हैं, उपरोक्त सभी काम इससे आप कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर। कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, तो आपका लेजर प्रिंटर बिल्कुल ही ऐसे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मॉक का पूरा नाम आपसे पूछा है, तो बता दो इसका आंसर। मॉक का पूरा नाम होगा आपके मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी जो है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, तो फ्लिपकार्ट आपका होता है, स्नैपडील होता है, जम्बोंग होता है, लेकिन आपको ऑप्शन दिया हुआ है ट्विटर, ये फ्रेंड्स आपके माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है, यानी कि एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, तो मॉडेम की आवश्यकता होती है, इंटरनेट सेवा, वेब ब्राउजर, इन सभी की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन डी आप सभी के लिए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा है, आप सभी जो है सेशन के एंड में कमेंट करके बताना कि आज की जो है आपको क्लास है कैसी लगी है, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास आए सीधे आपके फ़ोन में मैसेज आए।